Hi kids, welcome to your SST class. How are you all? I hope that you all are doing very good. Are you excited to learn something new? आज कुछ interesting पढ़ते हैं. अच्छा बच्चों, बताइए आप लोगों को हमारे पूर्वजों के बारे में कैसे पता चलता है? हमें कैसे पता कि पहले लोग कैसे रहते थे, पहले के राजा महाराजा क्या खाते थे, क्या पहनते थे, ये सब हमें किस तरीके से पता चलता है? ये सब हमें पता चलता है क्योंकि हम सब या तो हमने अपने बड़े जो बुज़ुर्ग लोग हैं, दादा दादी नाना नानी, वहाँ से कहानियाँ किससे सुने हैं, या फिर हमने बुक्स पढ़ी हैं, राइट? तो बुक्स पढ़ने के लिए सबसे पहले बुक्स को लिखना ज़रूरी है ना? तो बुक्स कैसे लिखी गई, यानी कब हमें ये लगा कि हमें चीज़ों को रिकॉर्ड करना है या राइटिंग करके चीज़ों को प्रिजर्व करना है, ठीक है? ये कैसे डेवलप हुआ, ये जो सिस्टम ऑफ राइटिंग है ये कैसे बना और किस तरह से लोगों ने धीरे धीरे अपने नॉलेज को एक्सपैंड किया, आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे. आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर इसी बात पर फोकस करता है, यानी आज हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो वेलकम चिल्ड्रन टू योर SST क्लास एंड लेट्स बिगिन Chapter number 14 from your book, that is Jelly Bean Journeys for Social Studies for Class 5 Kids by Brainroot Publication. And the title of your chapter is The World of Growing Knowledge. ठीक है, यानी एक ऐसी दुनिया जहाँ पे नॉलेज हर रोज़ बढ़ रहा है. लेकिन ये कैसे बढ़ रहा है, किस तरह से नॉलेज एक इंसान से दूसरी इंसान पर या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास हो रहा है, वो हम आज देखेंगे. सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर, बट बिफोर वी स्टार्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट ऑल पॉइंट्स आर वी गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर एंड ऑल्सो डू अ क्विक वार्म अप एक्टिविटी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी वी विल बी कवरिंग मेनली फोर टॉपिक्स इन दिस चैप्टर. What is the history of writing? यानी लिखना ये कब से शुरू हुआ? History of numbers, the art of printing and history of paper. ठीक है, इन सब के बारे में हम जानेंगे. उससे पहले दो pictures दी हैं. Identify the given pictures and write the important features. ये आप खुद करेंगे. आपको दोनों pictures को अच्छी तरह से देखना है और फिर इनके features लिखने हैं. For example, ये काफ़ी hard नज़र आ रहे हैं, ये स्टोन पर बने हुए हैं, इनमें पिक्चर्स दिख रहे हैं हमें, कुछ सिंबल्स साइंस दिख रहे हैं, है ना? जैसे इसमें बर्ड बनी हुई है, ह्यूमन फेस है, ये आई बना हुआ है, तो अलग अलग तरीके के कुछ हमें साइंस एंड सिंबल्स टाइप का दिख रहा है. एग्जैक्टली क्या है वो हम नहीं बता पाएंगे, राइट? सो आप भी कोशिश कीजिए, पिक्चर को ध्यान से देखिए और पता कीजिए कि इसमें से कितने सिंबल्स या कितने साइंस आप समझ पाते हैं. तब तक आइए हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर. सो लेट्स बिगिन. अर्ली ह्यूमंस डिड नॉट हैव द नॉलेज टू ग्रो और कुक फूड. दे ऑब्जर्व्ड नेचर एंड थिंग्स अराउंड देम. दिस हेल्प देम टू कोप अप विद डिफरेंट सिचुएशंस. दे कुड नॉट रिमेंबर एवरीथिंग, सो दे फेल्ट अ नीड टू डेवलप अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग देयर नॉलेज विच कुड ईजिली बी पास्ड ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन. जो आदि मानव है, अर्ली ह्यूमन बींग्स हैं, उन लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था, यहाँ तक कि उन्हें तो खाना बनाना या खाना उगाना भी नहीं आता था. ठीक है, वो सिर्फ जंगलों में एक जगह से दूसरी जगह खाने की खोज में भटकते रहते थे, गुफाओं में रहते थे, इसीलिए उनको आदि मानव या आदिवासी बोला जाता था. ऑलराइट, उन लोगों को चीज़ें जो हैं याद नहीं रहती थी, वो घंटों तक नेचर को ऑब्जर्व करते थे और कोशिश करते थे कि जो भी उन्होंने देखा उसको याद रख सके. लेकिन इतनी सारी चीज़ें प्रकृति में, कितनी चीज़ें हो रही हैं, हर चीज़ को याद रखना तो मुश्किल है. तब उन्हें लगा कि अगर कोई ऐसा तरीका होता जिससे वो जो भी वो ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर सकें या उसको कहीं लिख के रख सकें ताकि वो याद कर सकें, या अगर भूल भी जाएँ तो उस रिकॉर्ड को देख के फिर से याद कर लें. तब उन्हें लगा कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें ताकि हमें भी परेशानी ना हो और हमारी आने वाली जो जनरेशन्स हैं, यानी आने वाले जो लोग हैं हमारी फैमिली के या आगे के जो लोग होंगे वो जान सके. ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल था जब हम
जो भी हम देख रहे हैं उसको किसी चीज़ पे ड्रॉ करके या लिख के प्रिजर्व कर सकें. सो दस बिगैन द आर्ट ऑफ ड्रॉइंग, पेंटिंग एंड राइटिंग. सबसे पहले आया ड्रॉइंग, फिर आया पेंटिंग और फिर राइटिंग शुरू हुई. ठीक है. हिस्ट्री ऑफ राइटिंग. अर्ली मैन यूज टू कम्युनिकेट थ्रू साइंस एंड जेस्चर्स. एज द ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलप्ड, द नीड टू फिल्ट एंड रिटेन नॉलेज इन परमानेंट फॉर्म वॉज ऑल्सो फिल्ट. राइट. जो अर्ली ह्यूमन से वो लोग अगर कुछ बात करनी होती थी उन्हें भाषा नहीं आती थी, लैंग्वेज नहीं आती थी, लिखना नहीं आता था, तो कैसे बात करें, तो वो साइन लैंग्वेज में अलग अलग तरह के इशारे करके एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते थे. अगर सामने वाला समझ गया तो अच्छी बात है, वरना कोशिश जारी रहती थी. ठीक है. जैसे हम जब दमशेराज खेलते हैं तब यही तो करते हैं ना. गेम में क्या होता है कि हम कोई वर्ड दे देते हैं, फिर हमें अपने फ्रेंड्स को या अपने फैमिली मेम्बर्स को वो वर्ड जो है इशारों से समझाना पड़ता है. अगर किसी ने उसको इशारे को गेस कर लिया तो वेरी इजी, फाइन. लेकिन अगर कोई गेस नहीं कर पाया कोई भी, तो हम कंटिन्यू करते रहते हैं, अलग अलग तरह के साइन लैंग्वेजेस दिखाते ही रहते हैं, है ना. इसी तरह ह्यूमन बीइंग्स भी पहले ऐसा ही करते थे. लेटर उन्होंने लगा कि इस तरीके से तो थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है, हर चीज़ को बताना बहुत मुश्किल है इस तरह इशारों से, तो कुछ ऐसा सिस्टम हो जिससे कि हम परमानेंट कुछ साइंस या सिंबल्स रख लें ताकि हम नॉलेज को रिटेन कर सकें. एंशियंट राइटिंग. सबसे पहले जो राइटिंग होती थी वो आज जो हम लिखते हैं वैसी राइटिंग नहीं होती. पहले लोग ड्राइंग करके या पिक्चर्स के थ्रू अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाते थे और इस मेथड को बोलते थे पिक्टोग्राफी. पिक्टोग्राफी इज अ सिस्टम ऑफ ड्राइंग ऑन द केव्स. गुफाओं पे जो ड्राइंग वो लोग बनाते थे कम्युनिकेट करने के लिए, उसको पिक्टोग्राफी बोलते हैं. दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ राइटिंग. दिस सिस्टम रिकॉर्डेड ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्टिव सिचुएशन. इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के पिक्चर बना के उनको रिकॉर्ड करते थे. ऑलराइट. इसके बाद हमने थोड़ा सा डेवलप किया, पिक्टोग्राफी से एक स्टेप आगे बढ़े तो आए आइडियोग्राफी. आइडियोग्राफी इज द सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटिंग आइडियाज. ऑलराइट. इट इज़ द रिफाइनमेंट ऑफ पिक्टोग्राफी, यानी पिक्टोग्राफी का एक लेवल अपग्रेड हो गया. आइडियोग्राफी ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूटेड ड्राॅइंग ऑफ साइन एंड सिम्बल. डिफरेंट साइन एंड सिम्बल मतलब अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट समझाना है तो उसके लिए अलग अलग हमने सिम्बल्स दे दिए. हर किसी की ड्राॅइंग तो इतनी अच्छी नहीं होती, पता चला किसी ने ड्राॅइंग अच्छी नहीं बनाई तो सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बना है. इसीलिए इसको थोड़ा ईजी और बेटर करने के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के सिम्बल्स देने शुरू कर दिए. एज यू कैन सी, एंशियंट सुमेरियन, एंशियंट इजिप्शियन और चाइनीज, ये तीन अलग अलग सिविलाइजेशंस हैं, सभ्यताएं हैं, जहाँ पे अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग सिंबल्स दिए गए थे. मतलब किसी को अगर वाटर समझाना है तो वो ऐसे ज़िगज़ैग पानी की रेज बनाएगा, है ना. वहीं चाइनीज सिविलाइजेशन में वाटर का अलग से सिंबल है. तो अलग अलग इंसान का या अलग अलग वस्तु का अलग अलग सिंबल है. क्लियर. इसके बाद आइडियोग्राफी जब थोड़ा सा और इम्प्रूव हुआ तो आए लोगोग्राम्स. लोगोग्राम्स आर सिंबल्स रिप्रेजेंटिंग द होल वर्ड, यानी एक पूरे शब्द को समझाने के लिए हम लोगोग्राम्स यूज करते थे. दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ राइटिंग एज अ लैंग्वेज. और यहाँ से राइटिंग एज अ लैंग्वेज इन्वेंट होनी शुरू हुई. मतलब भाषा के तौर पर जो है भाषा की उत्पत्ति कह सकते हैं हम यहाँ से. Various script based on this form of writing like the Chinese script are still in use. ये देखिए ये कुछ Chinese script है, इसमें ये जो different different logos हैं ये एक पूरे word को represent करते हैं, एक पूरा शब्द बता देते हैं. Alright. उसके बाद आया Indus script. Indus script is believed to be as old as 3500 BCE. It is an example of ancient form of writing. इसको हम ancient form of writings में से बोलते हैं. With the development in knowledge system, the form of writing also developed. धीरे धीरे जैसे जैसे knowledge बढ़ता गया, ज्ञान बढ़ता गया, writing भी develop होती चली गई और बढ़ती चली गई. Writing was used not only for describing objects, situations and ideas, but also for enabling communication. मतलब पहले writing का purpose सिर्फ objects के picture show करके communicate करना था, लेकिन अब धीरे धीरे writing जैसे जैसे develop होने होती रही उस तरह से सिर्फ ऑब्जेक्ट तक बात सीमित नहीं रही, ऑब्जेक्ट से आगे बढ़ के भी कई चीज़ें हम लोग राइटिंग में एक्सप्लेन करने लगे. ठीक है.
cuneiform script was developed by Sumerians. ठीक है, इट वॉज यूज फॉर कीपिंग अकाउंट्स, यानी रिकॉर्ड्स रखने के लिए, रिकॉर्ड कीपिंग के लिए जो है क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट का यूज किया गया, और इसको इंट्रोड्यूस करने वाले थे सुमेरियंस. ऑलराइट, द सुमेरियंस मार्क सिंबल्स फॉर कीपिंग रिकॉर्ड. लेटर द क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट ऑल्सो इंक्लूडेड फोनेटिक एलिमेंट्स गिविंग अ कम्प्लीट फॉर्म. अच्छा, हम इसे क्यूनिफॉर्म क्यों बोलते हैं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट है. हम क्यूनिफॉर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहले पेन या पेंसिल नहीं होता था, लेकिन पेड़ का एक स्टिक जैसा होता था जो ऐसे एज शेप में होता था, ऐसे तिरछे शेप में होता था, नौकीली, जिससे हम जो है मार्क्स बनाते थे. इस शेप को क्यूनिफॉर्म बोलते थे, इसीलिए हम इसे क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट बोलते हैं. ऑलराइट, इसे हम इसीलिए क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट बोलते हैं. ऑलराइट, इजिप्शियन हीरोग्राफिक्स, ठीक है, जो इजिप्शियन हीरोग्राफिक्स है, दैट वॉज अ राइटिंग टेक्निक यूज्ड लोगोग्राफ्स एंड अल्फाबेट्स, यानी लोगोग्राफ्स और अल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन है इजिप्शियन जो स्क्रिप्ट है. ठीक है, ये ज़्यादातर जो हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स, रूलर्स, प्रीस्ट यानी पुजारी, और मिलिट्री यानी जो सेना है, वो लोग इस तरह की राइटिंग यूज़ करते थे इजिप्शियन सिविलाइजेशन में. ये एक तरह का आप स्क्रिप्ट देख सकते हैं, दिस इज़ इजिप्शियन हीरोग्राफिक्स का एक एग्जाम्पल. और उसके बाद धीरे धीरे फाइनली मॉडर्न राइटिंग, जो कि आज हम लोग अल्फाबेट्स से वर्ड्स बनाते हैं, फिर सेंटेंसेस बनाते हैं, वो डेवलप हुआ. Gradually, the modern system of writing developed. Today, we know that writing plays an important part in our life. We record a document, almost every important thing in our life through writing. Writing के बिना आज हम communication सोच ही नहीं सकते हैं. Mostly, हम हर छोटी बड़ी चीज़ को record करने के लिए या कुछ भी note करना होता तो immediately हम उसको लिख लेना prefer करते हैं. History of numbers. अब जब राइटिंग की बात आ रही है तो अल्फ़ाबेट और नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना. नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स के इर्द गिर्द ही हमारी सारी राइटिंग घूम रही है. राइट, तो सबसे पहले आते हैं कि नंबर्स की खोज कहाँ से हुई. नंबर्स डेवलप्ड एज ह्यूमंस फेल्ड द नीड टू नोट टाइम फॉर एक्टिविटीज सच एज ग्रोइंग क्रॉप्स, हंटिंग एंड सो ऑन. दे यूज द सिस्टम ऑफ ड्रॉइंग एंड लेटर ऑन देयर 10 फिंगर्स टू काउंट फ्रॉम 1 to 10. तो इनिशियली लोगों ने ड्रॉइंग करके 10 फिंगर्स से जो है काउंटिंग शुरू किया कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. और ये वो इसलिए करते थे ताकि वो टाइम को अंदाज़ा लगा सके कि कितना टाइम लग रहा है किसी फसल को उगाने में, कितना टाइम लग रहा है किसी काम को करने के लिए, या शिकार करने कोई गया है तो कितने टाइम में किसी ने शिकार कर लिया है. ठीक है, इवन टुडे दिस सिस्टम ऑफ काउंटिंग ऑन फिंगर्स इज पॉपुलर. दिस मेथड ऑफ काउंटिंग वॉज डेवलप्ड इन इंडिया एंड लेटर अडॉप्टेड बाई अरब्स, रोमन्स एंड यूरोपियंस. मतलब ये जो हम फिंगर्स पे काउंट करते हैं ना लकीरों के थ्रू या ऑन द टिप्स, ये सबसे पहले इंडिया में डेवलप हुआ था और बाद में दूसरे देशों में ने भी इसको अपनाया और टिल डेट ये पॉपुलर है. द रोमन्स यूज 7 लेटर्स टू राइट नंबर्स. रोमन्स ने एक तरीका निकाला, उन्होंने नंबर्स के लिए अल्फाबेट्स को सिंबल कर दिया, 7 स्पेशल लेटर्स जो आप मैथ्स में भी पढ़ते हैं रोमन न्यूमरल्स के नाम से. ऑलराइट, उन्होंने ये 7 लेटर्स लिए, ये जो 7 अल्फाबेट्स हैं इनको लिया उन्होंने, और इनको स्पेशली रोमन न्यूमरल्स के नाम से जाना जाता है. इन्हीं के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाते हैं और फिर रोमन नंबर्स को हम रीड या स्टडी करते हैं. इंडिया हैज़ ऑल्सो मेड अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द नंबर सिस्टम बाई इन्वेंटिंग 0. 0 को हम शून्य बोलते हैं और शून्य का आविष्कार जो है वो ग्रेट एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन आर्यभट्टा ने किया था. उन्होंने विश्व को 0 से परिचय करवाया. ऑलराइट, नॉट ओनली दिस, द कंप्यूटर कैन नॉट फंक्शन विदाउट 2 नंबर्स, दैट इज 0 and 1. 0 और 1 के बिना जो है कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता, बिकॉज कंप्यूटर ऑलवेज वर्क्स ऑन बाइनरी कोड. बाइनरी कोड में 2 ही नंबर है, 0 और 1. These are known as binary numbers. The whole computer system works on the binary codes. All right. Now there are 2 questions they are asking from us. The earliest form of script is called. जो सबसे पहला script था, उसको हम pictography बोलते हैं, right? जो सबसे पहला, right? Pictures के through communicate करते थे हम.
एंड उसके बाद हु इन्वेंटेड जीरो इन इंडिया, जीरो का जो इन्वेंशन था, आविष्कार था, वो आर्यभट्टा ने किया है. ठीक है, जीरो इज द ओनली नंबर दैट कांट बी रिप्रेजेंटेड इन रोमन न्यूमरल्स. और जीरो ही एक अकेला ऐसा नंबर है जिसको हम रोमन न्यूमरल में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. ऑलराइट, नाउ द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग. धीरे धीरे जब लिखना शुरू किया तो लोगों को लगा कि प्रिंट करना भी ज़रूरी है, बुक्स को भी बनाना ज़रूरी है ताकि रिकॉर्ड कीपिंग इसी हो सके. ऑलराइट, तो प्रिंटिंग का प्रोसेस समझते हैं. फ्रॉम ड्राइंग पिक्चर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द केव्स मैन डेवलप्ड द आर्ट ऑफ राइटिंग. इट टुक हिम मैनी ईयर्स, मैनी मतलब बहुत बहुत ज़्यादा, एक दो साल की बात नहीं है, कई हज़ारों साल लगे जब इंसान ने राइटिंग सीखा. Many books were written by hand using clay tablets and sharp tools. Initially जो है clay tablets और sharp tools से books लिखी जाने लगी, लेकिन हर जगह तो clay tablets लेके नहीं जाया जा सकते क्योंकि वो भारी होती थी, अगर टूट गई तो ख़राब हो जाएगी, easily carry नहीं हो सकते. फिर धीरे धीरे ancient India में लोगों ने पेड़ों के पत्तों पर यानी palm leaves या birch leaves पे भी लिखना शुरू किया. They started writing on palm and birch bark. A bunch of clay tablets or palm leaves made a book. ठीक है, the making of one book took a very long time. एक book बनाने में कई time लगता था क्योंकि एक एक पत्ते पर hand written करना, फिर उसको ठीक से preserve करना, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा एक time consuming task है. It is a very slow and laborious process. Very few books were available and that too in centers of learning. यानी इस प्रोसेस की वजह से बहुत कम बुक्स अवेलेबल होती थी और वो भी सिर्फ ऐसी जगह पे जहाँ पे लर्निंग सेंटर्स यानी पाठशाला, गुरुकुल, इन सब जगहों पे अवेलेबल होती थी. सो देयर वॉज अ नीड टू हैव मैनी कॉपीज ऑफ अ बुक. अब लोगों ने सोचा क्यों ना बुक्स की कॉपीज की जाए, लेकिन ये कैसे पॉसिबल था? ऐसे तो बहुत सारी लोगों को एक साथ लिखना पड़ता, वो काम और ज़्यादा बढ़ जाता, तो इसका कोई आसान तरीका क्यों ना ढूंढा जाए. बहुत सोचने के बाद धीरे धीरे चाइना ने आर्ट ऑफ प्रिंटिंग डेवलप किया 5th century में, यानी 5वीं शताब्दी में जो है चाइना ने प्रिंटिंग स्टार्ट किया. शुरू में तो ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं था, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस था, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे इस पर जो है लोगों ने काम करना शुरू किया और इसको बेटर करना शुरू किया. A simpler printing process was developed in Germany by Johann Gutenberg in 1440. He used a movable metal types to print. The first book printed by him was Bible. उन्होंने सबसे पहली बुक जो प्रिंट की वो थी बाइबल. It was printed on sheepskin. ठीक है, तब पेपर तो था नहीं, तो तब sheepskin पर इसकी प्रिंटिंग हुई थी. क्लियर, दिस सिस्टम मेड प्रोग्रेस विद द पैसेज ऑफ टाइम. अब हर चीज़ में डेवलपमेंट होता ही रहता है, बेहतर से बेहतर हम बनाने की कोशिश करते रहते हैं, तो सेम प्रिंटिंग में भी जो है डेवलपमेंट होने लगा. द प्रिंटिंग प्रेस ब्रॉट अबाउट अ रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ नॉलेज. नाउ इट वॉज पॉसिबल टू हैव मोर बुक्स एट लो कॉस्ट. एक साथ बहुत सारी बुक्स प्रोड्यूस की जा सकती थी और वो भी कम कीमत पे और कम समय पर. द साइंटिस्ट मेड letter types in large numbers for each alphabet. These letter types made a lead used to compose the matter to print books. Ink was applied to the face of these compound letter types and paper was pressed on them. यानी ink लगा के इनको छापा जाता था, block printing की तरह दबा के इनका impression paper पे लिया जाता था. First it was done by hand, then by machines. ठीक है, सो इस तरह से पहले तो हर चीज़ मैनुअली होती थी, फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली उसके लिए भी मशीन आ गई. बाइबल इज़ द बुक विच हैज़ मैक्सिमम प्रिंटेड कॉपीज इन द होल वर्ल्ड. टुडे वी हैव वेरी सोफिस्टिकेटेड प्रिंटिंग मशीन्स विच यूज़ कंप्यूटर्स टू पब्लिश बुक. यानी पहले के ज़माने से आज का काम बहुत ईजी हो गया है. आज तो हम सिंपली प्रिंटर में पेपर लगाते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट देते हैं या प्रिंटर को इंस्ट्रक्ट देते हैं और प्रिंट चुटकियों में हाथ में आ जाते हैं. पर इस स्तर तक आने के लिए बहुत बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है, यानी मेनी पीपल हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट. दे हैव डन डिफरेंट काइंड ऑफ रिसर्चेस, दे हैव डन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. दैट इज़ व्हाई वी आर डूइंग द वर्क सो इजीली एंड इन सच अ फास्ट मैनर. हिस्ट्री ऑफ पेपर. नाउ ऑल्सो सिंस द प्रिंटिंग इज डन ऑन पेपर, पहले तो पेपर नहीं था, पहले क्ले टैबलेट, स्टोन, शीप स्किन, लीव्स ऑफ द ट्रीज, इन पे प्रिंटिंग होती थी या इन पे ही रिटन रिकॉर्ड्स रखे जाते थे. पेपर कब डिस्कवर हुआ, आइए पेपर की कहानी को भी पढ़ लेते हैं.
Earlier, clay tablets made of mud were used for writing. As the empires and commerce began to spread, a strong need was felt to find a medium to carry the written inscription. जैसे जैसे व्यापार बढ़ता चला गया, लोगों को लगा अपने साथ रिटन रिकॉर्ड्स को इधर से उधर लेके जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतने भारी भारी क्ले टैबलेट्स अपने साथ लेके जाना बहुत मुश्किल होता था. तो क्या करें, इसका ऑल्टरनेटिव क्या किया जाए. क्ले टैबलेट्स वर डिफिकल्ट एंड हैवी टू कैरी, ये तो बहुत भारी होते हैं. हेंस देयर वॉज अ नीड फेल्ट ऑन राइटिंग फॉर लाइटर मटीरियल्स. इजिप्शियंस मेड पेपर फ्रॉम अ प्लांट कॉल्ड पाइपरस. तो पेपर जो है सबसे पहले इजिप्शियंस ने इन्वेंट किया. दिस इज़ अ पाइपरस ट्री. इसके जो तने हैं ना पतले पतले, इसको खोल के रोल किया जाता है, फिर इन्हें सुखाया जाता है. पाइपरस इज अ लोकल नेम ऑफ रीड, बड़ा बड़ा जो स्टेम है रीड, ग्रोइंग इन डेल्टा रिवर ऑफ नाइल. नाइल रिवर के आसपास ये उगते हैं. ठीक है, द वर्ड पेपर कम्स फ्रॉम पाइपरस. पेपर वर्ड का जो इन्वेंशन है वो पाइपरस ट्री से हुआ है, इसीलिए इसको पेपर बोलते हैं. साइंटिस्ट डेवलप्ड अ टेक्निक ऑफ मेकिंग पेपर फ्रॉम वुड पल्प एंड अदर मटेरियल्स. वुड पल्प और बाकी मटेरियल्स को यूज़ करके जो है पेपर बनाया. क्रोर्स ऑफ ट्रीज आर कट एवरी ईयर टू मैनुफैक्चर पेपर. बहुत करोड़ों पेड़ों को काट दिया जाता है पेपर बचाने के लिए, और इसीलिए हम बोलते हैं कि वी शुड यूज़ पेपर वेरी जुडिशियसली, वी शुड नॉट वेस्ट इट एट एनी कॉस्ट. वी कैन सेव कटिंग ऑफ ट्रीज बाई नॉट वेस्टिंग पेपर. The manuscripts were copied, but they could not be copied in huge quantities. However, once the printing press was invented, this problem was also solved. Printing press के आते ही एक के बाद एक paper जो है बहुत ज़्यादा category में और quantity में available होने लगा. तो देखा बच्चों किस तरीके से हम लोगों ने slowly and gradually थोड़ा थोड़ा step by step करके progress किया. पहले लोगों को कुछ भी नहीं आता था, फिर उन्होंने पिक्चर्स के थ्रू कम्युनिकेट करना शुरू किया, फिर आइडियोग्राफ्स आने शुरू हुए, फिर क्यूनिफॉर्म राइटिंग आई, डिफरेंट स्क्रिप्ट्स आए, है ना, सुमेरियन स्क्रिप्ट, इजिप्शियन स्क्रिप्ट, चाइनीज स्क्रिप्ट, फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली क्ले टैबलेट्स पे क्यूनिफॉर्म राइटिंग शुरू हुई, हीरोग्राफिक्स आया, उसके बाद जो है प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट हुआ, फिर धीरे धीरे मतलब कितनी एडवांसमेंट हो गई, और आज हम काम को बहुत ही इजीली कर सकते हैं. ठीक है ना. अ फन फैक्ट, इट टुक मोर देन 1000 इयर्स फॉर पेपर टू अराइव इन यूरोप वेयर पीपल हैड बीन राइटिंग ऑन पार्चमेंट मेड ऑफ स्किन्स ऑफ कैटल गोट एंड शीप. यानी यूरोप तक पेपर पहुंचने में 1000 साल लग गए. इजिप्ट से यूरोप तक का सफ़र तय करने में 1000 साल लग गए, है ना. उससे पहले जो यूरोप के लोग थे वो केटल यानी जो शीप है, डोमेस्टिक एनिमल है, उनके स्किन के ऊपर ही रिकॉर्ड्स को लिख के प्रिजर्व करते थे. नाउ सर्टेन वर्ड्स दैट वी केम अक्रॉस इन दिस चैप्टर, उनको एक बार देख लेते हैं. सिविलाइजेशन, अ सिविलाइजेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स ह्यूमन सोसाइटी, है ना, जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, जिनके कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स या जो आदतें हैं वो काफ़ी हद तक मिलती जुलती हैं. क्यूनिफॉर्म, द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट यूज बाई सुमेरियन. सुमेरियंस जो सबसे पहला स्क्रिप्ट यूज़ करते थे उसको हम क्यूनिफॉर्म बोलते हैं. हीरोग्राफिक्स, अ पिक्टोग्राफ्स क्यूड स्क्रिप्ट यूज बाई एंशियंट इजिप्शियन. इजिप्ट के लोग जो एक पिक्चर्स का, सिंबल्स का राइटिंग स्टाइल यूज़ करते थे उसको हम हीरोग्राफिक्स बोलते हैं. उसके बाद आते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट, रिटन रिकॉर्ड और अ टाइप रिटन कॉम्पोजिशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ प्रिंटेड कॉपी. ऑलराइट, नाउ लेट्स लुक ओवर कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने इस चैप्टर में कवर किए. द नीड ऑफ रिकॉर्डिंग नॉलेज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट ऑफ ड्राइंग, पेंटिंग एंड राइटिंग. यानी रिकॉर्ड कीपिंग की ज़रूरत पड़ी तभी तो हमने राइटिंग को करना सीखा, है ना. सिंबल्स वर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग टू द ह्यूमन. सबसे पहले सिंबल्स हमने सीखे, उसके बाद अल्फाबेट्स, लेटर्स, बाकी सब चीज़ें आए. जीरो वॉज इन्वेंटेड बाय आर्यभट्टा, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. Gutenberg developed the first printing press. And last is Egyptians made paper from a plant called papyrus. Papyrus plant की reed से paper बना है, इसीलिए हम इसे paper बोलते हैं. ठीक. Now let's get towards the exercises. Let's begin the exercises. MCQ है सबसे पहले, करते हैं इन MCQs को. First, drawing on caves is called pictograph. हम जब केव्स पे ड्रॉ करते थे उसको हम क्या बोलते हैं, पिक्टोग्राफ. द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट डेवलप बाय सुमेरियंस इज कॉल्ड क्यूनिफॉर्म. सुमेरियंस ने जो स्क्रिप्ट डेवलप की थी उसको हम क्यूनिफॉर्म बोलते हैं.
Third, binary code works on 1, 2, 0, 0 and 1. 0 or 1, दो ही digits पे binary code work करता है, जिसके through computer जो है सारा data calculate करता है. Fourth, dash made of mud were used for writing clay tablet, tablet paper, inscription paper. So, clay tablets. ठीक है, clay tablets जो mud के बनते, मिट्टी के बनते, उन पर जो है हम लोग पहले लिखते थे. लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं. चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, लेट्स डू देम वन बाय वन. ऑलराइट, अर्ली ह्यूमंस डिड नॉट हैव द डैश टू ग्रो और कुक फूड. नॉलेज, उन लोगों को नॉलेज ही नहीं थी कि किस तरीके से ग्रो करना है फूड या किस तरह से खाना पकाना है. ठीक है, नेक्स्ट, Dash is believed to be as old as 3500 BCE. So, what is so old? कितना पुराना है? Writing, record writing जो है हमारा, वो 3500 साल पुराना है. ठीक है? Alright. Dash plays an important role in our life. So, again, writing plays an important role in our life. हमारी लाइफ में राइटिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी लाइफ के इम्पॉर्टेंट चीज़ों को. सो इट हेल्प्स अस इन रिकॉर्ड कीपिंग, ये भी इम्पॉर्टेंट है. फोर्थ, एंशियंट इंडियन आल्सो रोट ऑन डैश एंड डैश बार्क्स. ठीक है, बर्च एंड पाम, है ना, इन दोनों के जो बाक हैं या तने हैं या पत्ते हैं उन पे भी लिखा जाता था. द वर्ड पेपर कम्स फ्रॉम पाइप्रस, राइट? ओके, नेक्स्ट, सी, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. अर्ली मैन यूज टू कम्युनिकेट थ्रू लेटर्स, नो दिस इज फॉल्स, क्योंकि अर्ली मैन लेटर्स के थ्रू नहीं, सिंबल्स या पिक्चर्स के थ्रू या साइन लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट करते थे. सेकेंड, आइडियोग्राफी इज द सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटिंग आइडियाज, येस इट इज ट्रू, आइडियाज एंड ऑब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन. थर्ड, द रोमन्स यूज 7 लेटर्स टू राइट नंबर्स, येस दैट इज कॉल्ड रोमन नंबर्स, दिस इज ट्रू. नेक्स्ट, फोर्थ, जॉन गुटेनबर्ग वॉज फ्रॉम ग्रीक, लास्ट द ग्रीक्स मेड पेपर फ्रॉम अ प्लांट कॉल्ड पाइप्रस, दिस इज ट्रू. ऑलराइट, सो विद दिस वी आर डन विद द एक्सरसाइजेस. आई होप दैट यू हैव नोटेड डाउन ऑल द एक्सरसाइजेस वेरी केयरफुली, एंड विद दिस वी कम टू एन एंड टू टुडे सेशन. आई होप चिल्ड्रन यू हैव अंडरस्टूड हाउ राइटिंग वॉज इन्वेंटेड. सब कुछ इतना ईजी लगता है, लेकिन ईजी होता नहीं है, है ना, किस तरह से धीरे धीरे स्टेप बाई स्टेप अर्ली मैन से हम आज इस जगह पे पहुँचे हैं जहाँ पे राइटिंग या फिर प्रिंटिंग बहुत ही आसान है. ऑलराइट, सो अनदर चैप्टर ऑफ योर बुक इज़ कम्प्लीटेड. आई होप दैट यू एन्जॉयड द सेशन टुडे एंड यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट्स वेरी क्लियरली. सो आई विल मीट यू अगेन विद अ न्यू टॉपिक ऑफ दिस बुक वेरी सून. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियो. बाय बाय एंड टेक केयर.